क्वेश्चन है, अ सेट ऑफ 27 सिमिलर लुकिंग कॉइन्स, 27 कॉइन्स आपके पास, ठीक है, सिमिलर लुकिंग्स है, इम्प्लाई दैट वो दिखने में सारे के सारे एक जैसे हैं। 26 आइडेंटिकल कॉइन है, आइडेंटिकल कॉइन का मीनिंग क्या है कि उनका वेट और जो लुकिंग है वो सारी की सारी सेम है 26 की। वन डमी कॉइन है, डमी कॉइन का मीनिंग क्या है कि वो धोखा दे रहा है आपको, दिखने में इनके जैसा दिखाई दे रहा है लेकिन उसका वेट है वो इनके जैसा नहीं है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ वेटिंग दैट विल इंश्योर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डमी कॉइन यूजिंग टू पैन बैलेंस। टू पैन बैलेंस का मीनिंग क्या होता है, तराजू, ठीक है, देखा होगा आप सबने। अब तराजू की हेल्प से आपको इन 27 कॉइन में से वन कॉइन को आइडेंटिफाई करना है, तो कैसे करोगे, ठीक है। बेसिकली यदि आप यहाँ पे वन वन कॉइन, यहाँ पे वन कॉइन को फिक्स करके और वन वन यहाँ पे पुट करते रहोगे तो यहाँ पे 26 टाइम आपको इसका यूज़ करना पड़ेगा, बट मेरे को क्या करना है, इसको मिनिमाइज करना है, ठीक है। फिर यदि आप टू यहाँ पे रखोगे, फिर टू टू करोगे तो 13 बार वो इसको मैच करोगे, और जो यहाँ पे दो रखोगे उनको अगेन एक बार मैच करना पड़ेगा वन, तो 14 टाइम, बट मेरे को यहाँ से मिनिमम नहीं मिल रहा है। तो मिनिमम के लिए क्या करेंगे अपने, देखो दूसरा एक मेथड क्या है कि आप इनको टू टू में पार्ट में डिवाइड कर लो। बेसिकली जो यहाँ पे CSIR नेट में जो आंसर दिया हुआ है वो इस इन्होंने गलत दिया था, इस बेस पे दिया था कि 13 प्लस 13, ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि 13 इसमें रखे और 13 कॉइन मैंने इसमें रखे, तो वहाँ से एक कॉइन मेरा बाहर रह जाएगा, ठीक है, तो 27 कॉइन हो गए। यदि इन दोनों का वेट सेम हो गया तो ये कॉइन डमी है, बट मेरे को इंश्योर करना है, ठीक है, तो उसके लिए मैं मान लेता हूँ कि ये डमी कॉइन नहीं है, तो इनमें कोई डमी कॉइन होगा जिसका वेट कम होगा, उसमें से उन 13 को मैं पिक कर लूँगा दोबारा और उनमें से 6 6 एक रख दूंगा। अगेन यहाँ से या तो ये डमी कॉइन हो सकता है या फिर इन दोनों में डमी कॉइन होगा, बट इंश्योर करने के लिए मान लो कि यहाँ पे इसमें डमी कॉइन है, ठीक है, तो इसमें से 3 और 3 यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे बाहर 0 बचेगा इस बार, तो इनमें से अगेन जिसका वेट लेस होगा तो 1 1 1, तो 4 स्टेप में हम लोग इंश्योर हो जाएंगे कि अपने पास डमी कॉइन कौन सा है। लेकिन यहाँ पे 4 स्टेप आ रहे हैं, देखो इसके ऐसे क्वेश्चनों का कोई प्रॉपर मेथड नहीं है, ठीक है, आप यदि इससे कम कर पा रहे हो देन आपका वो आंसर, क्योंकि उसने अपने से मिनिमम बोला है, उसकी कंडीशन को फुलफिल करो, फुलफिल करते हुए यदि आप उसके मिनिमम नंबर ऑफ दिस यूज देन वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इसके रिगार्डिंग क्या कर सकते हो, इस 27 के 9 9 के सेट बना लो, ठीक है, 9 कॉइन 9 कॉइन और 9 कॉइन के। अब क्या करो, इन दोनों 9 कॉइन को इसमें तराजू में रख दो, टू पेन बैलेंस में इसमें रख देंगे, यदि तो ये इक्वल हो गया, ये बैलेंस आ गया, इसका मीनिंग क्या होगा कि इसमें डमी कॉइन है। यदि ये बैलेंस हो गया इसका मीनिंग क्या होगा कि इसमें डमी कॉइन है। यदि ये बैलेंस नहीं हुआ इसका मतलब ये तो सारे के सारे आइडेंटिकल कॉइन है और डमी कॉइन इन दोनों में किसी में, जिसमें वेट लेस रहेगा, मान लो इसमें वेट लेस है, ठीक है, तो इसको 9 कॉइन को पिक कर लिया जाएगा। अब 9 कॉइन के अगेन मैं क्या करूंगा, 3 3 कॉइन पिक कर लूंगा, 3 3 कॉइन को अलग अलग सेपरेट कर लूंगा। अब अगेन इन दोनों को मैं इसमें तराजू में रख दूंगा, यदि तो ये बैलेंस हो गए इसका मीनिंग इसमें है, यदि बैलेंस नहीं हुए, ठीक है, तो जो जिसका वेट कम रहेगा उसको पिक कर लिया जाएगा, इंप्लाई दैट इनमें से मेरे को 3 कॉइन का ग्रुप मिल जाएगा। अब जो 3 कॉइन का ग्रुप मिला उनको 1 1 1 रख लो, तो आपको 3 स्टेप में ही इंश्योर हो गया कि डमी कॉइन कौन सा है। नेट में जो आंसर दिया हुआ था वो 4 था, बट इसका एक्चुअल आंसर 3 है। बेसिकली CSIR नेट में सेम कॉन्सेप्ट पे आपके पास 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार उन्होंने आंसर इसके बेस पे दिया हुआ है और एक बार आंसर उन्होंने इसके बेस पे दिया हुआ है, यहाँ पे ऑब्जेक्शन नहीं लगाया था, अदरवाइज इस पे ऑब्जेक्शन लगाया होता तो आपका आंसर ये सही हो सकता था, ठीक है, क्योंकि जो पहले आंसर आया, पहली बार में क्वेश्चन आया था उसमें उन्होंने इस कॉन्सेप्ट का यूज किया हुआ है।
ओके तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो 3 होगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके